संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए। ये दोनों शख्स एक बेंच से दूसरे बेंच पर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दोनों शख्स एक दूसरे बेंच पर भाग रहे हैं। तभी एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद यहां वहां भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। कार्रवाई में मौजूद सांसदों ने बताया कि शून्यकाल में बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू बोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया। वहीं पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया। दोनों युवकों के हाथ में टियर गैस कनस्तर था। नारेबाजी भी। अच्छा। एक व्यक्ति था या एक 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 से जम कितने लोग हैं? एक से एक या दो लोग कितने लोग? दो तीन लोग जम क्या कर रहे हैं? जम करने का रहस्य है। सांसदों पे इसने उन्होंने गैस छिड़कनी शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए आरोपियों को संसद मार्ग पुलिस थाने ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट स्पेशल सेल पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जो दो लोग कार्रवाई के दौरान घुसे, उनमें एक का नाम सागर, दोनों सांसद के नाम पर लोकसभा विस्तृत पास पर आए थे। सांसद दानिश अली ने बताया कि दोनों लोग मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विस्तृत पास से आए थे। जब ये सुरक्षा में चूक हुई तब बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की चेयर पर थे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोई खामी है। जब पहला व्यक्ति नीचे आया तो हम लोगों को लगा कि वह गिर गया, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति नीचे आने लगा तो हम सभी सतर्क हो गए। शख्स ने अपना जूता खोलकर कुछ बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद धुआं निकला। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर और जिम्मेदार लोग इस पर फैसला लेंगे। जब यह सब हुआ तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन में ही मौजूद थे। विजिटर्स गैलरी से दो लड़कों को, दो युवाओं को मैंने नीचे कूदते हुए देखा है। वो कूद रहे थे, पहले लटके उसके बाद नीचे कूद गए एक के बाद एक, और उसके बाद लोगों ने देखा और चिल्ला भी रहे थे, लेकिन वो क्या बोले ये मालूम नहीं चल रहा। स्लोगन क्या था पता नहीं, ये मालूम सुनाई नहीं दिया क्योंकि मैं दूसरी साइड में था, तो मैं मुझे सुनाई नहीं दिया। उसके बाद हमारे दूसरे एमपी लोग भेजे, और उसके कूदने के बाद मतलब जो बेंचेस क्रॉस करते जा रहे थे ऊपर से कूदते जा रहे थे। अच्छा। तो फ्रंट में जिधर स्पीकर बैठते उस साइड में फ्रंट में आने की कोशिश कर रहे थे, तो एक तो पकड़ा गया, फिर हमारे एमपी लोगों ने उसको पकड़ा। जैसे पकड़ा तैसे उसने गैस छोड़ी। गैस उसके जूते में थी, कहाँ थी, एकदम येलो कलर की गैस थी और बड़ी स्मेली थी। सब लोग उसमें बाहर निकले, तो मेरे भी काफी सिक्योरिटी लैप्स है ये, और मुझे पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी। जांच तो होनी चाहिए, निश्चित जांच होनी चाहिए, होगी भी। तो क्या कुछ जहरीला गैस था ऐसा कुछ आप लोगों को? मुझे लगा थोड़ा गैस जो है कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन थोड़ा लग रहा था गड़बड़ थी। अच्छा। और ये उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी? हां, स्थगित कर दी। वही दूसरी ओर कांग्रेस सांसद अधरंजन चौधरी ने कहा कि जब शून्यकाल चल रहा था तो दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया, सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, सवाल जरूर उठता है कि आखिरकार संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।